दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, जियो और एयरटेल के बीच में दोस्तों यहाँ पे खुली तलवारें निकल चुकी है। दोस्तों दोनों में महायुद्ध यहाँ पे शुरू हो चुका है, बातों का युद्ध दोस्तों शुरू हो चुका है, जहां पे एक तरफ जियो ने दोस्तों संगीन आरोप यहाँ पे लगाया और एक दोस्तों एक लेटर लिख के दोस्तों डीओटी को और यहाँ पे ट्राई चेयरमैन पीडी वाघेला जी को लिख के बोला है कि यहाँ पे एयरटेल और वीआई जानबूझ के हमारे नेटवर्क्स को हरियाणा और पंजाब में डेमोलिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जिससे हमको नुकसान हो। और दूसरी तरफ दोस्तों ऐसा ही एक लेटर दोस्तों एयरटेल ने भी लिखा है दोस्तों ट्राई चेयरमैन को, बताया कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है प्रोपोगेंडा है हमारा नाम खराब करने की। क्या है दोस्तों पूरी की पूरी लड़ाई, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी फैंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं फिलहाल दोस्तों भारत के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा चल रही दोस्तों, वहां पे जो दिल्ली में दोस्तों जो भी चल रहा है ना किसानों का आंदोलन, उसके हिसाब से दोस्तों यहां पे खास करके जियो टारगेट बना हुआ है। उसके बारे में दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे जियो को टारगेट बनाया जा रहा है। जियो को दोस्तों पंजाब में खास करके इसके नेटवर्क्स को उखाड़ा जा रहा है दोस्तों, इसके नेटवर्क को सर्विस को डैमेज किया जा रहा है। और जियो जो एलिगेशन यहां पे लगा रहा है दोस्तों वो सीरियस एलिगेशन है। जियो दोस्तों पहले दिन से बोल रहा है कि जानबूझ के एयरटेल और वीआई की खुराफात है, वो लोग हमारे नेटवर्क को यहां पे टारगेट बना रहे हैं और हमें यहां से मार्केट में नुकसान करना चाहते हैं, ऐसा दोस्तों अभी तक बोल रहा था। लेकिन अब जियो दोस्तों राइटिंग में आ चुका है, जियो ने दोस्तों कुछ लेटर यहां पे लिखा है ट्राई चेयरमैन को और दोस्तों यहां पे डीओटी को, और क्या जियो ने कहा और इसके बाद दोस्तों एयरटेल का भी एक जवाब आया जिसके बारे में बात करेंगे और ये लड़ाई कहां तक जाने वाली इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों यहां पे कि किस तरह से जियो यहां पे एलिगेशन लगा रहा है, एयरटेल वोडाफोन आइडिया पार्टनर सबोटाजिंग नेटवर्क इन पंजाब एंड हरियाणा, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों दोस्त बन चुके और हमारे नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, हमारे नेटवर्क को यहां पे निशाना बना जा रहा है, ऐसा दोस्तों यहां पे रिलायंस जियो ने बोला है। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड दोस्तों हैज सेड देयर्स ब्लैटेंट एफर्ट्स टू सबोटाज इट्स नेटवर्क्स इन द ग्रेव ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट इन द चैनल ऑफ पार्टनर्स, दोनों मिलके दोस्तों जो फार्मर्स का गुस्सा है उसको हमारी तरफ डाइवर्ट करके वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा दोस्तों यहां पे जियो ने यहां पे अपने आरोप में यहां पे बताया कि एयरटेल और वीआई हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन लेटर दो अंशुल प्रकाश दोस्तों सेक्रेटरी जो है डीओटी के डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन के अंशुल प्रकाश, उनको दोस्तों एक लेटर लिखा। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पे जियो ने पीडी वाघेला जो है चेयरमैन यहां पे ट्राई किए उनको भी लेटर लिखा, जहां पे उन्होंने क्लियर बोला कि जियो सेड द ग्रेव सिचुएशंस हैज इमर्ज इन पंजाब एंड हरियाणा अमेजॉन ऑन गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। दोस्तों जो भी पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस सिचुएशन का फायदा यहां पे जियो को नुकसान पहुंचाने के लिए एयरटेल और वीआई यहां पे कर रहे हैं और उनका गुस्सा जो है यहां पे जियो पे निकल रहा है और ये उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप जियो को तोड़ दो या जियो से आप नेटवर्क खराब कर दो या जियो से पोर्ट करके हमारे पास आ जाओ, ऐसे एलिगेशंस कुछ यहां पे जियो ने यहां पे बोल रही है। अनपार्लियामेंट्री और जो चीजें चल रही है यहां पे जियो बता रहा है कि ये सारी चीजें जो है एयरटेल और वीआई कर रहा है, इन शॉर्ट ये चीज यहां पे ट्राई चेयरमैन को भी बोला है और डीओटी के दोस्तों जो सेक्रेटरी है मिस्टर अंशुल प्रकाश उनको जियो यहां पे राइटिंग में लेटर लिख के बता रहा है कि यहां पे एयरटेल और वीआई दोनों मिलकर हमें यहां पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे नेटवर्क को टारगेट बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत चीज है। अब इसका जवाब भी दोस्तों सुन लीजिए, जवाब भी दोस्तों भारतीय एयरटेल की तरफ से आया, देख सकते हैं पे फार्मर प्रोटेस्ट एयरटेल स्लैम्स टावर डैमेज एलिगेशंस। एयरटेल ने दोस्तों इस पूरे जो एलिगेशन जियो ने लगाया था उसको यहां पे नकार दिया सीरियस और बोला कि सेज जियो एडॉप्ट्स बोलिंग टैक्टिक्स टू मीट गोल्स। जियो जो है उंगली करता है, बोलिंग करता है और यहां पे जो गोल्स है उसके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करने के ये वो कर रहा है, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी जियो यहां पे कर रहा है, बेचारा बनने की कोशिश है, ऐसा दोस्तों कुछ यहां पे हिंट दिया जा रहा है एयरटेल की तरफ से। दोस्तों यहां पे एयरटेल ने क्या बताया, भारतीय एयरटेल सेंड द लेटर टू द टेलीकॉम डिपार्टमेंट स्लैमिंग रिलायंस जियो एलिगेशंस दैट चैनल पार्टनर्स राइवल टेलकोस वेयर इंसिडिंग एंड द प्रोवेकिंग एग्रीगेटर इन्वॉल्व इन द टावर डिस्ट्रप्शंस। दोस्तों एक लेटर लिखा यहां पे एयरटेल ने डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन डीओटी को, उसमें क्लियर कर दिया कि जो जियो एलिगेशन हम पे लगा रहा है कि हम यहाँ पे फार्मर्स को किसानों को भड़का रहे हैं और जियो का नुकसान कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, बेसलेस यहाँ पे द बेसलेस एलिगेशन मेड बाय द जियो दैट एयरटेल बिहाइंड द फार्मर्स एजिटेशंस टू सबोटाज देयर नेटवर्क्स, या बेसलेस आरोप थे जहां पे हम मतलब एयरटेल किसानों के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पर किसानों को प्रोवोक कर रहा है कि आप यहाँ पे जियो का नेटवर्क तोड़ दो, ऐसा दोस्तों बेसलेस एलिगेशन लगाया एयरटेल का कहना यहाँ पे है। And the network force customer to switch Airtel simply आउटरेजेस, बात की जा रही है फोर्स कर रहे हैं, हम ये भी एलिगेशन लगे कि हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं जानबूझ के लोगों के हमारे नेटवर्क आ जाओ जियो को छोड़ दो, ये सारे के सारे बेसलेस है और ये अंशु प्रकाश को दोस्तों यहां भी एयरटेल ने लेटर लिख के डीओटी के जो सेक्रेटरी उनको बताया, मतलब दोनों ही दोस्तों लेटर वोट चल रही है, एक तरफ दोस्तों जियो लेटर लिख रहा है यहां पे ट्राई चेयरमैन को और अंशु प्रकाश दोस्तों डीओटी के सेक्रेटरी को कि एयरटेल और वीआई मिलकर हमारा नेटवर्क तोड़ रहे हैं, हमें नुकसान कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, दूसरी तरफ दोस्तों एयरटेल भी लेटर यहां पे लिख रहा है और बोल रहा है कि जियो जितने भी एलिगेशन लगा रहा है वो बिल्कुल ही यहां पे बेसलेस है और ये गलत है, हम इस तरह की कोई भी चीज करते नहीं बिजनेस के अंदर। अब मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिलहाल दोस्तों दोनों में युद्ध तो हो चुका है, दोनों ही कंपनी दोस्तों अब यहां पे आने वाले टाइम के अंदर और कुछ यहां पे करने वाली, देखते हैं लड़ाई कहां तक जाएगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों एयरटेल और जियो के बीच में
लेटर वॉर तो स्टार्ट हो चुका। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर कंपनियां प्राइस वॉर कब से स्टार्ट करें, जहां पे दोनों कंपनियां एक से बढ़कर एक प्लान मार्केट में लॉन्च करेगी। हकीकत की लड़ाई तो वहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को अगर फायदा होता है तो ये विन विन सिचुएशन होती है कस्टमर के लिए। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ उन्हें डिफेंस चला गया। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये लाल कलर का बटन जरूर दबा देना, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोडील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी और आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।